नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा इकाई की ओर से 27, 28 और 29 दिसंबर 2021 को साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद ने कहा कि आयोजन की जिम्मेवारी साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा को दी गई है। सोसाइटी के लिए यह गर्व की बात है। इस आयोजन से समाज को वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में मदद मिलेगी। 3 दिनों तक इसमें साइंस आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना मीडिया ग्रुप का यह आयोजन है। 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को इस कार्यक्रम का लोग आनंद उठा सकते हैं। इस साल के आखिर में लोहरदगा के लोगों के लिए यह बड़ा उपहार स्वरूप होगा। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वैज्ञानिक जागरूकता के उद्देश्य के तहत अंधविश्वास एवं सभी प्रकार की गैर बराबरी तथा शोषण उत्पीड़न से मुक्त, संविधान सम्मत, धर्म निरपेक्ष, समता मूलक, विविधतापूर्ण, न्यायपूर्ण, आधुनिक, आत्मनिर्भर झारखंड एवं भारत का निर्माण इस आयोजन का लक्ष्य है। विज्ञान एवं रचनात्मक गतिविधियों की इसी श्रृंखला में जन संवाद का सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम फिल्मों के जरिए झारखंड एवं देश दुनिया के समक्ष मौजूद जन मुद्दों, समस्याओं एवं चुनौतियों को जानने, समझने एवं तत्संबंधी विचारों को आदान प्रदान का यह सार्थक प्रयास होगा। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद ने कहा कि निश्चित ही इस क्रम में जनहित के विभिन्न मुद्दों पर बनी फिल्मों से गुजरना एक महत्वपूर्ण एवं रोचक अवसर अनुभव होगा। समस्याओं, चुनौतियों की समझ हमें समाधान का मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म फेस्टिवल सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे झारखंड और देश भर के युवा फिल्मकारों को भी अपनी फिल्में प्रदर्शित करने और दर्शकों से संवाद करने का मौका देगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।